कोरोना काल की कहानी। बच्चों, बहुत सारी प्राचीन कहानियाँ और कथाएं हैं जो हमें व्यवहारिक और सांसारिक ज्ञान सिखाती हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, एसोप की कहानियाँ, लोक कथाएं, परी कथाएं, धार्मिक कथाएं, साहसिक कहानियाँ और बहुत सारी विदेशी कथाएं आदि आदि। बच्चों, इसी श्रृंखला में हम एक नया और अनूठा अध्याय जोड़ रहे हैं, कोरोना काल की कहानियाँ। ये कहानियाँ पुरानी कहानियों और कथाओं में समय के बदलाव के साथ रूपांतरण है। आशा है ये कहानियाँ बच्चों के मनोरंजन के साथ कठिन समय में उनके लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगी। इसी श्रृंखला में हम पंचतंत्र की कहानी दो मुंह वाला पंछी आपको सुना रहे हैं। एक जंगल में एक सुंदर लेकिन अजीब पंछी रहता था। यह पंछी अपने आप में बेहद अनोखा था क्योंकि इसके दो मुंह थे। हर मुख के पास एक चोंच, दो कान, दो आंखें और सोचने समझने के लिए अलग अलग मस्तिष्क भी थे। दो मुंह होने के बावजूद भी पंछी का पेट एक ही था। यह पंछी कभी यहाँ घूमता, कभी वहाँ घूमता, कभी झील के किनारे तो कभी पेड़ों के आसपास घूमता रहता था। एक दिन की बात है, वो पंछी एक नदी के पास से गुजर रहा था कि तभी उसमें से एक मुंह की नजर एक फल पर पड़ी। उस मुंह ने फल तोड़ा और उसे खाने लगा। उसने फल खाते हुए दूसरे मुंह से कहा, यह तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट फल है, बिल्कुल शहद जैसा, मजा आ गया इसे खाकर। उसकी बात सुनकर दूसरे मुंह ने कहा, मुझे भी यह फल चखाओ ना, मैं भी इसे खाना चाहता हूँ। पहले मुंह ने कहा, अरे तुम इसे खाकर क्या करोगे, हमारे पेट तो एक ही है ना, मैं खाऊं या तुम, क्या फर्क पड़ता है। दूसरे मुंह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा यह कितना स्वार्थी है। उसने पहले मुंह से बात करना बंद कर दिया और मन ही मन उससे बदला लेने का अवसर खोजने लगा। कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत बंद रही। एक दिन वो पंछी कहीं घूम रहा था, तभी दूसरे मुंह की नजर एक फल पर पड़ी। उसने निश्चय किया, मुझे यह फल खाना है। पहले मुंह ने कहा, यह बहुत ही जहरीला फल है, इसे खाकर हम मर जाएंगे, कृपया इसे मत खाओ। दूसरे मुंह ने कहा, मैं इसे खा रहा हूँ, तुम नहीं, मेरे खाने से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहले मुंह ने कहा, हमारे मुंह भले ही दो हैं, लेकिन पेट तो एक ही है ना। तुम इस जहरीले फल को खाओगे तो हम दोनों मर जाएंगे, इसे मत खाओ। लेकिन दूसरे मुंह ने एक न सुनी। पहले मुंह से बदला लेने की चाहना में उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई थी। उसने वो जहरीला फल खा लिया। धीरे धीरे जहर ने अपना असर दिखाया और वो दो मुंह वाला खूबसूरत अनोखा पंछी मर गया। बच्चों, समय के बदलाव के साथ साथ परिस्थितियां बदली और कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में भी एक दो मुंह वाला पक्षी था। एक मुंह ने फल दूसरे मुंह को न दिया और दूसरा मुंह नाराज हो गया। लेकिन अपनी गलती का एहसास होने पर मीठा फल खाने वाले मुंह ने दूसरे मुंह से माफी मांग ली। वो बोला, आगे से मैं कभी भी तुम्हें फल देने से मना नहीं करूंगा। लेकिन दूसरा मुंह था कि मानने के लिए तैयार ही न था। वो तो जहरीला फल खाकर पहले मुंह से बदला लेना चाहता था। अब तो पहला मुंह परेशान हो गया। कुछ विचार कर पहले मुंह ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी के हाथ
पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उनका कहना था कि सारा खाना पेट खा जाता है, उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आता है। खाने की थाली सामने रखी रहती थी, लेकिन हाथ निवाला तोड़कर मुंह तक पहुंचाने के लिए तैयार न थे। खाना न मिलने से कुछ ही दिनों में उस आदमी का शरीर कमजोर हो गया। हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंग काम करने में अशक्त हो गए, क्योंकि उनको आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पा रही थी। किसी तरह पेट ने उन्हें समझाया कि मेरा काम तो खाने को एक जगह एकत्रित कर उसमें से आवश्यक ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की है। मैं खाना अपने किसी काम में नहीं लेता हूँ, मैं तो आप सबकी सेवा कर रहा हूँ। मेरे बिना आप सब कुछ नहीं कर सकते और आप सबके बिना मैं भी बेकार हूँ। सभी अंगों को पेट की बात समझ में आ गई और सबने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। दूसरे मुंह को बात समझ आ गई। उसे एहसास हो गया कि जहर पेट में जाते ही सारे शरीर में फैल जाएगा और वे मर जाएंगे। उसने जहरीला फल खाने की अपने जिद छोड़ दी और पहले मुख से माफी भी मांग ली। भविष्य में कभी भी दोनों मुखों में कभी भी लड़ाई नहीं हुई। दो मुख वाला पक्षी आराम से रहने लगा। कोरोना काल में वो दो मुंह का अजीब सुंदर पक्षी अपने एक मुंह की समझदारी से अपनी जान बचाने में सफल हो गया। कहा तो कोरोना काल से पहले दो मुख वाला पक्षी बेमौत मारा गया और वही कोरोना काल में एक मुख के उचित मार्गदर्शन से अपना जीवन बचा लिया। बच्चों, अपने माता पिता और बड़ों के मार्गदर्शन में श्रद्धा के साथ पढ़ते रहिए और कोरोना नामक महामारी को हराइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।